नमस्कार वर्तमान समय एक बड़ खबर सर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछी मु निवेदिता। बहु चर्चित राजधानी कोटामुंड मिलिबा घटना रे बड़ अपडेट आसी पहुंचुची जे अभियुक्तक ठाबो करि पारिछि कमिश्नर पुलिस एवं जाको अटक रखा जाइछि एवं एहा मध्य सूचना आसुची जे तांको सीन रिक्रिएशन पई खूब शीघ्र नियाजिबो घटनास्थल को जेंबली भाबे कोटामुंड काहर एने अनेक चर्चा आलोचना लागि रहितला केबे पुलिस अभियुक्तक निकट रे पहुंचबो ए विभत्स हत्याकांड पछरे काहर संपृक्ति रहिछि ए सब प्रश्नवाची भितरे एबे जे अपडेट आसी पहुंचुची जे पुलिस किसी जन को संदेह कर अटक रखी ही अभियुक्त बोली कहु खूब शीघ्र पुलिस आनी घटनास्थल सीन रिक्रिएशन कर तेरे ताजा अपडेट कौन आसूँ किए से अभियुक्त केतेबेले पुलिस सीन रिक्रिएशन आनबो पुलिस पूरा तथ्य केतेबेले रखिबो जहाँ कहीं सूचना आसूँ खूब शीघ्र पुलिस प्रेस मीट माध्यम से सूचना देव अधिक सूचना रोशन रथ आम प्रतिनिधि पाखक जावा रोशन अपडेट कौन आसूँ जो कोटामुंड कहार जी को नहीं पूरा राजधानी रे चांचल्य सृष्टि होता बर्तमान सुधा केत पुलिस अटक रखी कौन अपडेट आसूँ खबर आसी जहाँ पहुंचुची जे कोटामुंड उपरे वर्तमान पुलिस रहस्य उठाई एवं विशेष करी कही परबा जे जो स्वतंत्र टीम गठन करा दैतला स्पेशल स्क्वाड को नहीं कि वर्तमान स्पेशल स्क्वाड को बड़ सफलता मिली किस दिन जहाँ सूचना रोज दि तीन दिन पूर्व ही सब घटना उपरे पुलिस पाखे खबर थिला किंतु जेहेतु पुलिस पाखे किसी ठोस प्रमाण नथिला गणमाध्यम को खबर दि जाऊ नथिला आज जहाँ खबर आसी कोटामुंडर परिचय मिल सारी कौनसी ना कौन कारण एक्स्ट्रा मेरिटियल एफआर जो ये जो विभत्स हत्याकांड घटेला कहुची दुई अभियुक्त को पुलिस ठाब कर बर्तमान दुई अभियुक्त को पुलिस सीन रिक्रिएशन नौ बड़ कथा हूँ बर्तमान सुधा कितु कोटामुंड कौटी अच्छी ता मिल पारि क्यों वेपन व्यवहार होता जो मुंड काटवे ताई तेणु जहाँ सूचना रोचे गत काली राति सारा पचराउचरा कर पुलिस पखापाखि भोर पांचटा पर्यंत उभय को पुलिस पचराउचरा कर जेरा कर बहुत किसी तथ्य संग्रह वर्तमान दुई अभियुक्त को पुलिस घटनास्थल को निया जाउची जो कि मृतदेह मिलता वास्तविक चंदका कोमती आणले चंदकार क्यों स्थान हत्या करते मृतदेह की डेड बॉडी टी केमती फोपाड़े वास्तविक जो मुंड काटी सेटा क्यों स्थान में मुंड काटी से सबू उपरू पुलिस रहस्य उठेब जत जहाँ सूचना मिलूँ पुलिस कमिश्नर घटना प्रेस मीट करेंगे आ कि समय पर कितु वर्तमान प्राथमिक पर्यायर बड़ खबर आ पहुंचुची दुई अभियुक्त को पुलिस सीन रिक्रिएशन स्पेशल स्क्वाड नौ घटनास्थल को जो चंदकार जो अंचल डेड बॉडी मिली पारे जे जो मैंने प्रकृत अभियुक्त पुलिस ठाब कर सारी जहाँ को से नहीं बर्तमान किसी समय पर जो सीन रिक्रिएशन कर तो सब कथ स्पष्ट हो तेरे रोशन सब भितर प्रश्न आसूँ जदिओ राजधानी अंचल यही महिला जनक कहीं आप कहते राजधानी निकटवर्ती अंचल महिला जनक तेरे किभली भाव दुर्बृत्त मैंने आसिले विभत्स हत्या कले फिंगी देखले पुलिस किभली जापारानी रोशन देखो वर्तमान तो जहाँ सूचना आसूची जे जो अभियुक्त टी हूँ महिला सहित जहाँ खबर आकर द्वितीय स्वामी बोली खबर आसु वर्तमान सुधा पुलिस पक्षर स्पष्टीकरण दि जाए जे वास्तविक जो मैंने अभियुक्त महिला सहित कौन संपर्क किंतु जहाँ खबर मिलू एक्स्ट्रा मेरिटियल एफआईआर को लेकिन ये विभत्स हत्याकांड घटी जो भाव में पूर्व अनुमान करते पोस्टमार्टम रिपोर्ट जना पड़ता महिला जन प्रेग्नेंट अच्छा क्योंकि ना क्यों प्रथम रु ही अनुमान करता क्योंकि ना क्यों कौन कारण रही पारे एत विभत्सतार तेणु वर्तमान पर्यंत किसी आम कही हम ना वास्तविक क्यों कारण जो हत्या कर पुलिस जिते प्रेस मीट कर पूरा घटना उपरू रहस्य उठेबर जा जना पड़ कितु जो भाई भाव में पुलिस गोटे प्रकार तदंतर अकल गुड़ुम पड़ जाता है क्यों दिगर तदंत हम महिला परिचय मिल पार ना मुंड क्यों अच्छी ठाब कर पार्ला संधानी कुकुर फेल मार घटनास्थल में पूरा 500 मीटर रेंज जो स्थान में डेड बॉडी मिलता से अंचल को छानतलाशी करा तथापि मुंड मिल पार ना क्यों अंचल महिला किए जदि महिला जनक स्थानीय आखपाख अंचल तेरे जो दुर्बृत्त मैंने रही सामान अंचल ना केउठारो आसिले केउठी हत्या कले एने कोनोसी सूचना वर्तमान सुधा आपनको पाखरे लागिछि कि देखंतु निवेदिता वर्तमान सुधा से भली कोनोसी सूचना मिलि पार नै जे वास्तविक रे केमिति हत्याकांड हला एवं जो माने भी जो दुई जना
हत्या करछन्ति वास्तविक रे ताकर कोन संपर्क काहे कि ए हत्याकांड कले से माने भुवनेश्वर रे रहुतिले ना अन्य के अंचल रो किंतु प्राथमिक सूत्र रु जहां खबर मिलछि कोनसी बस्ती अंचल रे माने एवं ताकर परमानेंट घर होछि राजधानी आखपाख कोनसी जिल्ला रो ए पूरा घटना को वर्तमान पुलिस तदंत करछि एवं विशेष करी अधिक प्रमाण जुटाई बारे लागि छि कारण जेबुली भाबे रे सेंसिटिव मर्डर केस हेतला एवं फिंगरप्रिंट टू नै कि मुंड काटी अलगा कर दिया जाइतला ठोस प्रमाण मिल पार नथला वेपन्स मिल पार नथला घटनास्थल दुई दुईटी छुरी जबत हेतला किंतु सत किंतु छुरी रे हत्याकांड करा जाइछि ना अन्य केउ धारवा वेपन्स रो व्यवहार हेछि घंटी काटी बारे तेनै कोनोसी सूचना मिल पार नथला किंतु जदियो एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर पई कहा जाउछि जे हत्याकांड टी घटीछि वास्तविक रे कोन कारण रहितला महिलांकर स्वामी केउठी अछंती से नै वर्तमान सुधा किछि स्पष्टीकरण मिल पार नै वर्तमान जो स्पेशल स्क्वाड दुई अभियुक्त को जगह ऊपर को नेउची एवं सेठी सीन रिक्रिएशन करा जीव केमती आनिले केमती ताको डेड बॉडी को फोपाडले कारण पूर्वर हुई गोटे दुईटी जिंस स्पष्ट होई सातला जे जेतेबेले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीला रोशन ए जो दुई अभियुक्त को वर्तमान पुलिस सीन रिक्रिएशन पाई नेउची प्रकृतरे दुई जडई हत्याकांड रे संपृक्त ना अलगा के व्यक्तिकर रहिछ कने ए जो विभत्स हत्या गोटे जगह रे जड़ को हत्या करबा तांको डेड बॉडी गोटे ठी मुंडो दुर्बुत नै चली छिबा ए सब भितरे केवल दुई जण को संपृक्ति ना अधिक लोककर संपृक्ति पुलिस ने कोनो सूचना दउछ के देखो तो पुलिस पक्ष रु वर्तमान सुधा कोनोसी सूचना दिया जाय नै किंतु दुई जण को वर्तमान सुधा गिरफ कर जाय छि एवं जेतु अनुमान करा जाउ छि जेतु पर्सनल कारण एवं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पै मर्डर हिचि बोली कोआ जाउ छि तेनो अधिक लोककर संपृक्ति थाय न पारे किंतु जदी दुई जण मारि छथि जा कोआ जाउ छि जे हत्याकांड करि छि जण ड्राइवर बोली कोआ जाउ छि तेनो क्यों गाड़ी रे आनी फोपाडला से गाड़ी वर्तमान केउठे अछि से सब एविडेंस को वर्तमान पुलिस कलेक्ट करिवारे लागि छि कारण कोर्ट रे जते बेले अभियुक्त को केस करा जीव सही समय रे सब एविडेंस को पुलिस दबा को पड़िबो तेनो बहुत जिंस एविडेंस एबे मध्य लूज अछि आमे जति कहि परिबा मुख्य एविडेंस होछि कटा मुंड वर्तमान सुधा मिलि पर नै तेनो कटा मुंड टिकु अभियुक्त केउठी फोपाड़ छि केउठी लुचै कि रखि छि सेनै मध्य वर्तमान पुलिस तदंत करछि एवं केउ गाड़ी रे आनिथिले कारण टू व्हीलर रे आनिबा त पॉसिबल नहो ऑटो रे अणा जाइतला ना फोर व्हीलर रे अणा जाइतला केउ गाड़ी रे अणा अणा है कि डेड बॉडी को निश्चित भाव देखो गोटे जनकर डेड बॉडी को दुई जन जदि निश्चित भाव फोर व्हीलर रही व्यवहार हो पार कारण टू व्हीलर रे तो यह भाव में रक्ताक्त अवस्था जनकर मुंड नथिबा बॉडी को आनिबाटा संभवपर हम ना तेणु लुकायित अवस्था टू फोर व्हीलर रे ही अणा जाए डेड बॉडी को पका जा पार बोले अनुमान करा घटनास्थल में जो माटी जगह रही फोर व्हीलर र चक चिन्ह तेणु वर्तमान परिस्थिति रे पुलिस सब दिग को तदंत कर प्राइमरी एविडेंस जो गुड़िक रही विशेष करी आमे जदि देखिबा जो कटा मुंड कथा कहतु वेपन्स कथा कहतु टंटी काटिबारे जोटा व्यवहार हेछि एवं जहां कहा जाउछि जे जो गाड़ी टी व्यवहार हेछि हत्याकांड रे से सब एविडेंस को वर्तमान पुलिस कलेक्ट करछि एवं जेतेबेले पुलिस कमिश्नर प्रेस मीट करिवे ता परे जाय पूरा घटना रो रहस्य उठिबो नियंति रोशन प्रेस मीट परे तो घटना रो जदि कहबा गोटे स्पष्टता आसी जीव किंतु रोशन जो मले बाबे हुए तो अनेक घटना आपण देखिथिबे ए जो हत्याकांड एते विभत्स जे जड़े महिला को आनिबा हत्या करिबा गोटे जगह रे संपूर्ण शरीर मिलिबा एवं को मुंडो नै दुर्बुत चली जिबा ए सब भितरे पुलिस गोटे द्वंद्व रे पड़ी जाइतला जे किभले भाबे कटा मुंडो को चिन्हट करा जिबो जोंत भाई अनेक प्रक्रिया मध्ये पुलिस आरंभ कर दिथला अनेक प्रयास मध्ये करथला से पोस्टर मारिबा कथा ओ जदि कहबा टंका पुरस्कार मिलिबा एबले अनेक पदके पुलिस नैथला एवं आधार कार्ड मध्ये कथा सामना कसला जे फिंगरप्रिंट द्वारा होय तो चिन्हट करा जिबो प्रकृतरे केउ दिग पुलिस को सफलता देला ता भी वर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारे कि पुलिस सब दिग को नहीं तदंत करा जहां अनुमान करा जा जो भाव में पोस्टर मरा जाता ताउना के पुलिस सफलता आनी वर्तमान पर्यंत तो कमती सफलता मिलला क्यों आधार रे पुलिस अभियुक्त पाखे पहुंचला से नहीं किसी स्पष्ट सूचना मिली ना कि पुलिस की गोटे बड़ सफलता मिली कहले अत्युक्ति हम ना कारण इन्वेस्टिगेशन रथम दिन रु ही पुलिस तदंत दिगहरा होता कारण कौन सी
ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ସିସିଟିଭି ନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ନଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ପରିଚୟ ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କର ଡେଡ୍ବଡିର ପରିଚୟ ଉପରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା ଯେ ପରିଚୟ ମିଳିଲେ ହିଁ ତଦନ୍ତ ହେବ। ତ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ କେଉଁଠି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଲିସ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ପାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ଠୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ରାତି ସାରା ପଚରା ଉଚରା କରିଛି। ଆଜି ସିନ୍ ରିକ୍ରେସନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଟାମୁଣ୍ଡଟି କେଉଁଠି ଫୋପାଡ଼ିଛି ତାହା ମିଳିବ ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ ଯେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ମିଳିଲା, କେମିତି ତଦନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ କେମିତି ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତେବେ ରୋଶନ ତାହା ତ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ପରେ ପୁରା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ହେବ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ପ୍ରକୃତରେ ହତ୍ୟା କିଭଳି ଘଟିଲା, କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା, ଯେଉଁ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ରୋଶନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ, ପୁରା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯିଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ରଚିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବାସ୍ତବିକରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରୁ ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟେଇବ ତାପରେ ଯାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ, କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ, ଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ରଚିଥିଲା, ସେ ପୁରା ଜିନିଷ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ ହଟିବ। ତେବେ ରୋଶନ ଏସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର, ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି କି ରାଜଧାନୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରାଫିକ ଚେକିଂ ବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଥା ହଉ, ପୋଲିସ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏକ କଡ଼ା ବଳ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ପୁରା ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସିସିଟିଭି ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଖୁଲାସା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦକା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏତେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିନାହିଁ, କାରଣ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ରହିଛି, ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ରହିଛି, ବୁଦା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସେ ଅପଡେଟେଡ୍ ଥିଲା, କେଉଁ ସମୟରେ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ଲୋକ କେଉଁ ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଜିନିଷ ଉପରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ସେ ପୁରା ଉପରେ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଖବର ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ ରାତିରେ ନିଛାଟିଆ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ କି କେହି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ କରୁନଥିବେ ସମୟରେ ଆସି ଡେଡ୍ବଡିଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ, ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ରାତି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭୋର 5ଟାରୁ ପାଖାପାଖି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାତି 2-3 ସମୟରେ ଆଣିକି ଡେଡ୍ବଡି ଫୋପାଡ଼ା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡେଡ୍ବଡି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ, କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା କେମିତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପୁରା ଉପରେ।
ଉପରେ ରହସ୍ୟ ହଟି ପାରିବ। तबे रोशन आपण जे भले भाबे कहतले सीसीटीवी फुटेज अनेक समय रे पुलिस को सहाय होइथाय जे दुबुतंक पाखरे पहुंचबा ए घटना रे जदियो सीसीटीवी फुटेज मिलेनी निकट रे जदि जदि कोनो से रास्ता रहिछि किबा सब बड़ कथा आसुछि रोशन जे जदियो सीसीटीवी फुटेज नाही जो ए घटना जदियो सीसीटीवी फुटेज पुलिस हाथरे लागिनी जे पुलिस को तदंत दिगरे सहायक हेबो किंतु कोटना कोटि पुलिस तो दायित्व रहिछि पुलिस तो राति तमाम पेट्रोलिंग करछि दुर्बृत्त माने मुंडो नै चली जाउछन्ति ये सब भितरे कमिशन पेट्रोलिंग ठीक भाव किंतु पेट्रोलिंग पुलिस पेट्रोलिंग हेले जड़े अभियुक्त जे भी कूल ब्लडेड मर्डर कर संपूर्ण भाव केमती मर्डर करिवो केउ स्थान रे नै फोपाडिवो कारण जेहेतु अनुमान पर्सनाली कौन कारण मर्डर करेणु जड़े जदि निहाती भाव कहीपर जदि अभियुक्त नहीं फोपाड़ी एवं क्यों दिगर गला क्यों पटे पलैला केमती फोपड़ा गला से जापारे पुलिस पर गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि होंचल जेहेतु निछाटिया अंचल रही चंदका अंचल अधिक पेट्रोलिंग आवश्यकता रही कारण किसी दिन पूर्व आप जानते दुई दिन ते गोटे डेडबडी जोटा कि पंद्रह दिन पाखापाखि पूर्व हम जड़े सुइसाइड कर तार डेडबडी पाखापाखि पंद्रह कोड़े दिन पर पचीजी अवस्था मिलता अंधारुआ अंचल तेणु घाटिकिया अंधारुआ ये सब अंचल जो अंचल चंदका थाना अंदर रोच विशेष कर पुलिस पेट्रोलिंग कम हो तेणु लोकंर अभोग अनुसार तेणु पेट्रोलिंग को मध्य पुलिस कड़ाकड़ी कर दरकार कारण जो हत्याकांड जो मैंने भी अभियुक्त रोचाई ये अंचल गोटे भल स्पट पाल्टी कहले अत्युक्ति हम नहीं प्रमाण लुचाई देखू कि भाव में राजधानी उपर जड़े हत्या कर डेडबडी फोपाड़ी अति चतुरतार सहित पलाऊँ कितु पुलिस घाटी हूँ तार कौन प्रमाण पाऊ नहीं कि सुराग पाऊ तदंत कर गोटे कथा कहे जो पुलिस अधिकारी मैंने नाइट ड्यूटी रोचार पेट्रोलिंग करठिक रूपे पेट्रोलिंग कर देखो पेट्रोलिंग किए सठिक रूप से करूनी कि पेट्रोलिंग जी पेट्रोलिंग जी गाड़ी आवश्यकता रही गाड़ी वर्तमान पुलिस पाखे ना से नहीं तो कौन सूचना आम कहीपर नहीं कितु बास्तविक लोकंर जहाँ अभोग रोचे जे से रास्त जेठ निछाटिया रास्ता रही रास्त जी पेट्रोलिंग हवा कथा से पेट्रोलिंग होने सुजोग नौकरी अभुक्त कितु अनेक आम जो देखा यभस हत्याकांड राजधानी रे गत किछि वर्ष भितरे केबे मध्ये देखिबाकु मिलि नथिला एवं जेभली भाबरे टंटी को प्रथमे टंटी चिपी हत्या करा जायथिला एवं तापरे डेड बॉडी रो मुंडो को काटी निया जायथिला जेउटना केउठी निश्चित भाबरे जणा पडुथला जे पारिवारिक कलह जोगु होयत एभली मृत्युकांड हत्याकांड करा जायथै पारे जेउति पई पुलिस मध्ये द्वंद्वरे पडि जायथिला एवं किभली तदंत हब जानि परनथिला वर्तमान त से अभियुक्त को चंदका को निया जाउची एवं पुलिस पाखरे होयत प्रमाण लगी जाइए जे क्योंकि कटा मुंडटी लुचाई तेणु ताकू वर्तमान पुलिस ने सीट रिक्रिएसन हम कटा मुंडर मध्य खोजा चलती क्योंटिना क्योंटि सब प्रमाण जितेबले मिल पुलिस गोटे बड़ सफलता हो पार वर्तमान पर्यंत तो आम जो देखा कटा मुंड जो गाड़ी व्यवहृत गाड़ी ता सहित जो वेपन्स जहाँ व्यवहार होगुड़ वर्तमान पर्यंत से किसी मिल पारे ना एवं तेज रोशन आपण जहाँ कहते जे स्थानीय लोकंर सामान अभियोग थिला रोशन आपण जो दिन से घटनास्थल रिपोर्टिंग करते आम से समय स्थानीय लोकों प्रतिक्रिया शुणीलु से एक कहते राति बारटा पर जातायात बंद हो जाए जेहेतु अंचल जो जगटी रही है जोटे हत्याकांड घटी जोटे मृतदेह उद्धार होता से जगह बेस अंधार जगह रही जो दुर्बृत्त यह कांड घटाई जदिव दुईज बर्तमान सुधा अटक रही तेबे सेमाने पूर्वर हुए तो से जगह विषय रे अवगत थाई परंतु एक कथा कुआ जे पारे कि रोशन देखो निश्चित भाव में तो स्थानीय लोकों अभियोग करुले पुलिस अनुमान करुला जो अभियुक्त भी ये घटना टी घटाई से मैंने पूरा अवगत अच्छा से ही से जो समय फांका रोच से ही समय तार सुजोग नहीं कि वर्तमान से स्थान में फोपाड़ तेबे रोशन खूब शीघ्र फेरी भी आपण को पाक
को आम सहित सूर्यमणि त्रिपाठी अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी आम सहित जोड़ी तेरे श्रीजुक्त त्रिपाठी प्रथम तो आलोचना को स्वागत करी जो प्रसंग जो कथा पूरा राजधानी में चांचल्य सृष्टि करता दुर्बृत्त मैंने आसुच्चार राजधानी में यह विभत्स कांड घटा गोटे ठारे मृतदेह मिलू मुंड नहीं चली जाऊँच कि पुलिस जाणी पाने कि देखुं नहीं पुलिस सब कथा जानवा संभवपर नुहे गोटे अपराध आम राजधानी आगुरी गोटे छोटिया जगह से बहु भाव प्रसारित संप्रसारित राजदंड उपकंठ ठू आरंभ कर गाँ गहली पर्यंत जो अंचल सब अच्छी सबको पुलिस मेघा भितर 24 घंटा रखा के संभवपर नुहे दृष्टि बाहर राजधानी भितर किंतु श्रीजुक्त त्रिपाठी पुलिस तो राति तमाम पेट्रोलिंग करछी आपण जानिथिबे जो ट्राफिक नियम आसीछी जोंतरे की कडाकडी चेकिंग हेउछी किंतु दुर्बृत्त माने गाड़ी रे आसुचंती हत्या करचंती चली जाउचंती एमिति की मुंड नै चली जाउचंती पुलिस तो दायित्व रे रहिछी पुलिस तो चेकिंग करूथिबो ना तो एमिति घटना की बळी घटुछी पुनी राजधानी रे नाही थरे कहिली आपण जेते पुलिस चेकिंग करले भी सुधा पुलिस जो रास्ता रे चेकिंग कर सब रास्ता रे पुलिस चेकिंग करबा संभव पर नहीं पुलिस जो रास्ते चेकिंग करे से मुख्य मुख्य रास्ता मान करे चेकिंग करे किंतु ए कथा जदि से जो अपराधी माने जते बले अपराध घटांती से माने पुलिस रो गतिविधि को मध्ये लक्ष्य रखितांती तेणु से माने जदि सब छोट छोट रास्ता बा जो बाइलेन सब अछि ताको व्यवहार करंती एवं ताको सब व्यवहार करिकिरे अपराध घटैकिरी राजधानी फेरार होती संभवपर कथा ये आश्चर्य हबार भी किसी ना असंभव भी ये नुहे किंतु अपराध घटे सारापर पुलिस से मानक पीछा कैसे धरे से हूँ पुलिस कार्य पुलिस जो भी धरी नपे से आप पुलिस पारि अपणिया हुए तो प्रश्न उठे पारती किंतु पुलिस जो धरवा कार्य जो तदंत कर अपराधी मान को धरिबारे पुलिस तो सब सफल होउछि पुलिस सब जगह सफल होना श्रीजुक्त त्रिपाठी आपण अनेक घटना बर्तमान राज्य में घटे चली जो घटन बर्तमान सुधा पुलिस को कौन सफलता मिलनी आपण अनेक एक्जामपल रही निकट में आदित्य दास मृत्यु घटन में पुलिस के भाव तदंत करते अनेक घटना यह रही जो घटन बर्तमान सुधा पुलिस को सफल मिलनी तेणु पुलिस को सफलता सब दिगरे मिलू कपे पुलिस सफलता पाई कि आदित्य दास जो घटना घटी एक आत्महत्या जनित घटना किसी संदेह करोर्ट कौन हम स्पष्ट से जो सब धारा अच्छी से धारा सब संपूर्ण कर पुलिस स्पष्ट मत रखे किंतु आदित्य दास घटना जो एक आत्महत्या जनित कारण ये अंत घोर संदेह ना आज्ञा तेरे किंतु क्राइम ब्रांच वर्तमान सुधा कौन स्पष्टोक्ति दे पार जो बारंबार कोर्ट असंतोष जाहिर कर एक जानते ये तो भिन्न कथा कोर्ट कहीं असंतोष प्रकाश कर क्राइम ब्रांच कहीं रिपोर्ट तार दे पार नहीं सी भिन्न कथा किंतु मत आप जो पचारे मुझे पूर्वतन पुलिस अफिसर भाव में अनेक थर आपर टीवी चैनल माध्यम कही आदित्य दास मृत्यु एक आत्महत्या जनित घटना किंतु वर्तमान से कथा रहस्य कर रही है श्रीजुक्त त्रिपाठी बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़े और मंतव्य देते आम सहित जोड़ी सूर्यमणि त्रिपाठी अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी जे कहते कि सबुबले पुलिस अनेक घटन सफलता पाई कि अनेक नजर रही है पुलिस अनेक स्थान में बर्तमान सुधा विफल होती जदि कह झराफुलों मृत्यु घटना होदित निकट में घटी हत्याकांड जो भाव आदित्य दास मृत्यु घटना नजर रही तेज सब भितर पुणी थे रोशन पाखक जी रसुन अपडेट कौन आसुची आपड़ घटनास्थल में पहुंचले कि केते बड़े सीन रिक्रिएशन करा जिवो देखो।
ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦକା ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ଘଟିଥିଲା ଏହା ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦକା ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଉପରକୁ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ଘଟିଲା ତା ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରଦା ହଟେଇ ପାରିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ଘଟାଇପାରେ। କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାରେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସିପି, ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏସିପି ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପରିସର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆହା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ପୋଲିସ କଲେକ୍ଟ କରିବା, ପୋଲିସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। କଟା ମୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ହତ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ହୁଏତ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ କମିଶନର, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା କେଉଁ କ୍ଷୟକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା, ପୋଲିସକୁ କ'ଣ ସଫଳତା ଦେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତା ଉପରୁ କୌଣସି ପଟ୍ଟା ଉଠାଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସତାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ଏବେ ରୋଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣ ଆମକୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନେବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଘଟଣା ଉପରେ ପରଦା ହଟିପାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବ, ପୁରା ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ରଖିବ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ, ଯଦିଓ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆସିନି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବ, ପୁରା ତଥ୍ୟ ରଖିବ, ସେତେବେଳେ କଟାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆସିବ। ତେବେ ରୋଶନ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଥାନା ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତେବେ ରୋଶନ, କେତେବେଳେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ କି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗତକାଲି ଠାରୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛି, କଟା ମୁଣ୍ଡର ଠିକଣା ପାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି କିଛି ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଯାହା କୁହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିସାରିଛି, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦକା ଥାନାକୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଣାହେଇଛି ଏବଂ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାର ତଣ୍ଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଟି ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା, କେମିତି ହତ୍ୟା କଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ କହୁଥିଲା ଯେଉଁଠୁ ଡେଡ଼ବଡି ମିଳିଥିଲା ସେଠି ରକ୍ତ ଛିଟା ଏତେଟା ପଡ଼ିନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଲଗା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡେଡ଼ବଡିକୁ ଆଣି ଫୋପଡ଼ା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ରହସ୍ୟ ଉଠାଇବ ତାପରେ ଯାଇ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କଟା ମୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ପାଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଛୁରୀଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କଠୁ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଭିପରି ଦିଗହରା ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବୋଲେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଥିଲା ଯେ କେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ, ପରିଚୟ କେବେ ମିଳିବ, ତ ସେଥିରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିପାରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ରହସ୍ୟ ଉଠାଇବ ତାପରେ ଯାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଳିବ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ପରିଚୟ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ
अभियुक्त गिरफ होती महिला कौन संपृक्ति किभली भाव में हत्याकांड करते क्यों स्थान में हत्याकांड करते डेडबडी को केमती आनी से जगार फोपाड़ी से पूरा घटना उपरू रहस्य उठी पार निवेदिता तेरे रोशन वर्तमान समय जहाँ बड़ खबर पहुंचुची मुंड पुलिस पाई प्रकृत में दुर्बृत्त मैंने मुंड को क्योंठे लुचाई रखी सामना को आसुची और एक खबर पहुंचुची जे अभियुक्त को सीन रिक्रिएशन परे कोर्ट चालान करा जहाँ वर्तमान समय खबर पहुंचुची जे कटा मुंड मिल सारी पुलिस हाथ में कटा मुंड लगी जो कटा मुंड केवड़े गायब कर दि जाता जहाँ प्रश्न आसूला जे दुर्बृत्त मैंने हत्या पर मुंड को क्योंटी फिंगी या पाखे रखी प्रश्न बर्तमान पर्दा हटी पुलिस गत काली जेहेतु दुईज अभियुक्त को अटक रखी पूरा सूचना पुलिस पाखे बर्तमान सुधा पहुंची सारी पूरा तथ्य पुलिस पाखे बर्तमान सुधा अच्छी जहाँ बर्तमान अपडेट जे कटा मुंड पुलिस हाथ में लगी कटा मुंड को दुर्बृत्त मैंने क्योंटी लुचाई रखी पुलिस जानवाक पाई सहित अभियुक्त को खूब शीघ्र रिक्रिएशन कोर्ट चालान कर फेरबी रोशन को लगातार भाव रोशन आम को अपडेट दे चलते रोशन रोशन अधिक आलोचना करवा तेज पूरा अपडेट कौन आसूची आलोचना करवा रोशन बहुत बहुत धन्यवाद जनवी परवर्त समय आपण को हे तो परवर्त बुलेटिन अपडेट नेवाई आवश्यकता पड़पे फेर भी आपण सहित कि सूचना आसी पहुँचुची कटा मुंड पुलिस पाखे पहुंची सारी पुलिस कटा मुंड क्योंठे अच्छी ए तथ्य पुलिस हाथ में लगी सहित अभियुक्त को खूब शीघ्र सीन रिक्रिएशन निपर से कोर्ट चलाण करबर उपर नजर रहा बर्तमान समय बिग ब्रेकिंग कोई रखुचु नमस्कार।